दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए रेलवे SECR भर्ती 2023 की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इंडियन रेलवे भारतीय रेलवे की ओर से नया नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 23 जुलाई 2023 है। यहाँ पर 10वीं पास और 12वीं पास कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सुनहरा और बड़ा अवसर निकला है। मेल फीमेल महिला पुरुष दोनों भारत के सभी राज्यों से ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि यहाँ पर क्या पोस्ट वाइज वैकेंसीज निकली है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इस भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन के PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं भारतीय रेलवे SECR भर्ती 2023 की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, SECR रेलवे के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। यहाँ पर ग्रुप सी और ग्रुप डी की पोस्ट निकली है। वैकेंसीज हम आपको पोस्ट वाइज नोटिफिकेशन की PDF से दिखाएंगे। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 23 जुलाई 2023 है। बात अगर यहाँ पर इसमें सैलरी डिटेल की जाए तो ग्रुप सी पोस्ट के लिए लेवल 2 के अंतर्गत, जबकि ग्रुप डी के लिए लेवल 1 के अंतर्गत सैलरी है प्रति माह के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो ग्रुप सी के लिए 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं और ITI से भी आप अप्लाई कर सकते हो। ग्रुप डी के लिए 10वीं पास भी अप्लाई कर सकते हैं और ITI से भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर 10वीं 12वीं पास बिना ITI के भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एज लिमिट ग्रुप सी के लिए 18 से 30 वर्ष है, ग्रुप डी के लिए 18 से 33 वर्ष है। फिर जनरल OBC कैटेगरी के लिए 500 रुपये है, इसमें 400 रिफंडेबल है, रिटर्न एग्जाम के बाद रिफंड कर दी जाएगी। SC ST PWD एक सर्विसमैन ABC फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 250 है, जो कि पूरी की पूरी रिफंड कर दी जाएगी रिटर्न एग्जामिनेशन के बाद में। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट के आधार पर, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से, भारत के सभी राज्यों से, मेल हो या फिर फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। SECR.indianrailways.gov.in इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। दोस्तों इस भर्ती की नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी.in का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके इस पेज के एंड में आप देख सकते हो इम्पोर्टेंट लिंक्स का यहाँ पर ये सेक्शन दिया गया है। इस सेक्शन के अंतर्गत इंग्लिश नोटिफिकेशन PDF और हिंदी नोटिफिकेशन PDF दो लिंक दिए गए हैं। यहाँ से आप दोनों लैंग्वेज में PDF डाउनलोड कर सकते हो। इसकी इंग्लिश की नोटिफिकेशन है और यहाँ पर इसकी हिंदी की नोटिफिकेशन की PDF है। आप किसी भी लैंग्वेज में पूरी जानकारी चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो इम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन, ऑनलाइन नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 23 जुलाई आवेदन करने की अंतिम तिथि है। आप यहां पर देख सकते हो ग्रुप सी ग्रुप डी की पोस्ट है। यहां पर स्काउट एंड गाइड कोटा के तहत भर्ती की जा रही है। ऑनलाइन आवेदन पत्र आपसे यहां पर मंगाए जा रहे हैं। वैकेंसीज डिटेल की बात की जाए तो ग्रुप सी के लिए 2 वैकेंसीज है, ग्रुप डी के लिए यहां पर 6 वैकेंसीज है। क्वालिफिकेशन भी ग्रुप सी के लिए 12वीं पास है और ITI से या फिर अप्रेंटिस से भी आप अप्लाई कर सकते हो। ग्रुप डी के लिए 10वीं पास या फिर ITI से भी या फिर NSC सर्टिफिकेट से भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हो एज लिमिट आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिखाई गई है और यहाँ पर आप एज रिलैक्सेशन की जानकारी भी चेकआउट कर सकते हो। स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको एग्जामिनेशन फीस की डिटेल यहाँ पर दी गई है, हाउ टू अप्लाई का प्रोसीजर दिया गया, सिलेक्शन क्राइटेरिया की डिटेल दी गई है, एग्जाम पैटर्न सिलेबस की भी आपको इसमें पूरी जानकारी दे दी गई है। तो दोस्तों अप्लाई ऑनलाइन करने से पहले आपको ये नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड करने के बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा। इस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इसका ऑनलाइन का पोर्टल ओपन हो जाएगा। सेंटर में आप देख सकते हो लॉगिन टू अप्लाई ऑनलाइन और रजिस्ट्रेशन का यहाँ पर आपको टैब दी गई है। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन करके फॉर्म फिल करना होगा, नहीं तो आपको रजिस्ट्रेशन की टैब पर क्लिक करना होगा। जैसे रजिस्ट्रेशन की टैब पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले पोस्ट सेलेक्ट करनी होगी, ग्रुप सी या फिर ग्रुप डी। उसके बाद में आपको यहाँ पर पूरी डिटेल भरनी होगी, कैंडिडेट नेम, आधार नंबर, रजिस्ट्रेशन की कंप्लीट डिटेल भरने के बाद में रजिस्ट्रेशन करना होगा और फाइनली फॉर्म सबमिट कर देना होगा। दोस्तों ऐसे आप यहां पर रजिस्ट्रेशन या फिर लॉगिन करते हुए फॉर्म फिल कर सकते हो।
तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।